स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत ही बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी बहुत दिन से उर्फी पे वीडियो नहीं बनाई थी, इतने कमेंट आ रहे थे, तो आओ चलो देखें आज कल उर्फी क्या पहन रही है। ऊपर से तो नॉर्मल फ्रॉक सी लग रही थी, नीचे जाते जाते सौर मंडल सा दिखने लगा है कुछ। आइए देखें आगे, लाइट भी चल रही है उसमें। क्या है बहन, नाइट बल्ब है, यूनिवर्स बन गया ये पूरा। उसके अंदर घूम भी रहे वो पूरे सितारे। अगर यही सब चीजें स्कूल में बचपन में ऐसा प्रोजेक्ट बना के ले जाती है तो इसको मार्क्स भी पूरे मिलते हैं और पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा फायदा भी होता है। मतलब नॉर्मली फैशन इसलिए होता है कि जो आप डेली लाइफ में यूज कर सको। इसको लेके कहाँ जाओगे तुम, कहीं भी जाओगे तुम अलग से अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, लोग अपना काम धंधा छोड़ के। सौर मंडल, ये कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न, नेपच्यून, प्लेनेट गिनवाना है क्या वहाँ पे? बच्चों की पढ़ाई करवाने ट्यूशन टीचर जाएंगे ऐसे कपड़े पहन के? छह लोग को लेके घूमना पड़ रहा है उसको। फैशन मतलब होता है कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ। उर्फी के फैशन का मतलब होता है हाउ अदर्स विल कैरी यू। बाफी गुड़िया, आज तो बार्बी डॉल। बार्बी डॉल सौर मंडलीय गुड़िया है, वो सौर मंडलीय। आज तो बार्बी डॉल। अरे भाई क्या बात, वो पहले एक गुड़िया आती थी जो गोल घूमती थी, ये गुड़िया के अंदर का सौर मंडल घूमता है। गलती से कहीं टकरा गई, कांच फूट जाएगा उसका। पियो जो है वो। अरे नहीं नहीं, ये आउटफिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, ये आउटफिट तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द वर्ल्ड था। नहीं दोस्तों मुझे बाद में आया ये आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, ये ऐसा नहीं लग रहा वो कागज की जो नाव बनाते थे, बहुत सारी नाव बना के पहन ली होगी। उर्फी का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, उल्टा ही चल रहा है वाली, पर बहुत ज्यादा घूम, मतलब नॉर्मली सीधा होता तो वो उल्टा घूम रहा है, अपोजिट, और वो घूम बहुत ज्यादा रहा है कि कैसे सोच लेती वो उसके आसपास जो भी सामान आया उठा के पहन लो। क्या है भाई, कौन उर्फी नौच में किसको गड़ाने जा रही है, ये कौन उर्फी जी? भाई साहब गले मिलेगी, गड्ढे कर देगी छाती में किसी। अरे सोफा सो रही है उर्फी जी, हम भी थक गए उर्फी, अब तो सब थक गए। तुम नहीं थक रही हो, पर तुम्हारा फैशन रुक ही नहीं रहा बिल्कुल, थाम भाई नहीं हो रहा बिल्कुल, सुकून ही नहीं ले रहा, चैन ही नहीं ले रहा। चल बाय गाइस, गद्दा दोबारा पहनो ना। दोबारा? हाँ पक्का। अब पक्का पहन ले तो अभी जितना पड़ेगा कैसे पहनते। उर्फी के साथ तीन लोग तो उसको पहनाने के लिए घूमते हैं, जितनी उलझुल चीजें वो पहनती है, बाकी सब लोग बेचारे नॉर्मल वो जिम के कपड़ों में घूमना चाहिए उनको, बल्कि एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन भर। अच्छा अब उसको पहनाने में वो स्कर्ट ऊपर उठ सकती है तो वो भी। भाई साहब आजकल तो वैसे भी जेंजी का जमाना चल रहा है और उनका जो फैशन आया है बैगी जीन्स वगैरह वो कंफर्टेबल है भाई, ये उल्टी है, ये अनकंफर्टेबल कर रही खुद को। अरे मैं सिर्फ बोलता था इसको बॉटल ओपनर, अभी बोलो। भाई ये बहुत खतरनाक वीडियो है भाई, तुम लोगों ने नहीं देखी हो तो। ये एक लड़का है जीवा नाम का, पाकिस्तान का, वो ट्रांजिशन वीडियोस बनाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, पर फिर भी वो क्यों बनाता है, क्योंकि ट्रांजिशन वीडियोस में सुंदर लगना होता है बदसूरत से, पर वो दोनों जगह लगभग सेम ही दिखता है। तो उसका कोई इंटरव्यू लेने पहुंच गया तो उसके खुद के दोस्त ही उसके मजाक उड़ा रहे हैं। तो बोल के दिखाता हूं उसके मुंह से। भाई, दस नॉर्मल आदमी बोलता है एक सेकंड एक मिनट, वो दस मिनट उन पे बात करता रहेगा, ढक्कन खोल लिया उसने। अरे भाई मैं पेशावर ही, मैं जीता ना, मैं सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, मगर वो कोल्ड ड्रिंक खोलेगी इसकी दांतों से। कुछ बोलेगा, रिप्लाई तो देगा वो, ऐसे सुनेगा तो नहीं। मैं बोलता हूँ पहले आपके खोलूंगा फिर कोल्ड ड्रिंक खोलूंगा। मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगा ना, ये कैमरा खुद शर्मा के नीचे गिरेगा। बाबा भाई पहले बोलना तो सीख लो, सब भूल जा रही थी। रोस्टिंग कंपटीशन चल रहा है भाई साहब एकदम लाइव। वो तो बड़े बड़े कर रहे थे तो पकड़ लिया भाई। अगर बेटी तुम अगर पढ़ेगी ना तो ऑटो वाला से शादी करा देंगे, और मेरा बाप बोला था कि अगर तुम पढ़ेगा ना तो ऑटो ले देंगे, तुम फिर ऑटो चलाना। तो फिर आगे क्या हुआ आप लोग का शादी? ये तो इजी गेम हो गया, उसने भी नहीं पढ़ाई करी, उसने भी नहीं करी, वो उसकी ऑटो वाले से शादी हो गई, वो ऑटो वाला बन गया, ये तो संपूर्ण प्रेम कहानी है। हम लोग का शादी कहा होगा, हम लोग एक कंप्रोमाइज किए कि तुम भी फेल हो जा हम भी फेल हो जाएंगे, तेरा ऑटो वाला से शादी। ये तो भविष्य है दोस्तों हमारे यूथ का कि फेल हो रहे हैं शादी करने के लिए। यार मम्मी पापा लोग मान क्यों नहीं जाते, सब क्या आसानी से है, टेंशन ही खत्म हो जाए, बेचारों को फेल होना पड़ रहा बताओ। होगा जो ऑटो वाला शादी होगा वो ऑटो वाला हम रहेंगे, तो हम लोग का कंप्रोमाइज सही हुआ। तो जब सही हुआ कंपरमाइज तो हम लोग के एग्जाम के दिन हम कुछ नहीं लिखे,
जो तो भर दिए मुर्गी मुर्गी चिरा है। हाँ मुर्गी चिरा वो बेटा पूरा अच्छा अच्छा आंसर लिखी साइंस थीटा कोस थीटा इक्वल टू एकदम पूरा जीरो माइनस पूरा भर दी मैथ उसमें वो आई उसका करीब 88% आया और मेरा 25% में हिट आ गया पास हो गई कलेक्टर बन गई यार मैं यहाँ टेम्पू चला यार वो कलेक्टर बनती तो बनती इसको अपने इधर का चपरासी वपरासी बना लेती बेचारे को ऑटो चलाना पड़ रहा है कुछ तो उसको सहायता मिलती बेचारे को यार ये दुनिया धोखेबाज है दोस्तों पर आप लोगों पे मुझे यकीन है आप धोखा नहीं दोगे वीडियो तो लाइक कर दी ना हाँ आप सच्चे मित्र हो मेरे ये मम्मियाँ जो होती है ना जो सबसे ज्यादा रेंदो नहीं नहीं करती है वही मेहमान के जाने के बाद सबसे पहले पैसे लेती है लाओ मैं छुपा देती हूँ कहीं रख देती हूँ तू घुमा देगा और वो एक्चुअली में मम्मी को देना से बेटर है कि घुमा दो तुम कि कम से कम ऐसा लगे तो अकाउंटेबिलिटी तो हो पैसे मम्मी को दे दिए गए खत्म कोई वही नहीं है याद ही नहीं रही पैसे के साथ हिंदुस्तानी लड़कियाँ कितनी अच्छी होती बात मेरा वो मेहमान भी ऐसा हो रहा मुझे मौका तो देता मैंने डायलॉग सोच रखे थे कि बेटा प्लीज ले लो ये वो मोए मोए वेर एवर यू थिंक दिस वीडियो इज गोइंग यू आर रॉन्ग लड़की को रोज देने आया शायद अच्छा लड़के को रोज दे रहा है ताकि वो लड़की को देके प्रपोज कर दे नोटी नोटी और लड़की खुश हो जाएगी अच्छा खड़े होके देगा शायद बैंड डाउन करके वो प्रपोज करते है ना अरे बेटा परी चौक से क्यों आए हैं मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था नहीं है यही गलती हो गई इसीलिए तो सांप पकड़ के ले आए मुकेश जी ये आपका है ही नहीं नहीं तो किसने दे दिया वो वहाँ जमीन में पड़ा था वो मैं लेडी को देने लगा इसलिए मैं सांप ने पकड़ लिया अरे बाप रे ऐसे ही आ गए फंस गए ऐसे फंस गया अब मैंने उनको बोला भी ये बात लेकिन वो मान ही नहीं रहे चाहिए बचा लिया आपको मैंने बिल्कुल बचा लिया और बताइए केजरीवाल जिंदाबाद अब आप बोल रहे केजरीवाल जिंदाबाद हमें गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए तो झूठ बोल रहे थे अभी हाँ मैं झूठ इसलिए हाँ पुलिस थी इसलिए झूठ बोल रहा था हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त हैं भक्त हैं यार भक्त तो प्रभु के बनो केजरीवाल का भक्त बन के क्या फायदा केजरीवाल के किसी भी पॉलिटिशियन का भक्त बन के क्या फायदा भगवान की भक्ति करो सूर्य नमस्ते अरे बाप रे बिचारी एंटी कितनी संस्कारी है कि भाड़ गया पर्स पैसा जो भी था दुनिया धान के मोहमाया नमस्ते होना चाहिए नमस्ते बेटा दोस्तों ऐसे ही आपका भी लाइक होना चाहिए भाड़ गई सारी मोहमाया ओके आंसर दैट क्वेश्चन नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन मिशन क्या है ये मरने की बात करेगा मेरा हाँ एंड में क्या करना यार ये ना चेंज होता रहता है मैं सही बता दूं एब्सोल्यूट एंड में मैं डेथ बेड की बात है डेथ बेड पे कोई क्या करता है डेथ मर गया आदमी उसके बाद क्या करना है क्या करना है मरने के बाद अपने ऊपर गेंदे के फूल चढ़वाना चाहेंगे या गुलाब या सफेद वाले बताइए सनफ्लावर चलेंगे क्या कैसी बातें करता भाई अमन गुप्ता अपनी कंपनी का बोट उठा के इसके सर पे मार देगा तू बता तू क्या कर रहा है डेथ बेड पे अरे बाप रे बहुत बुरी बात है बच्चे के जेब में वो जो कुरकुरे रखा होगा उसके लिए उसने क्या पता कब से सपने सजाएंगे घर बैठ के आराम से खाऊंगा उसके जेब से तुमने कुरकुरा नहीं उसके सपने चुराए नीता काकी दस हजार पेटीएम कर दो भाई दोस्तों मैं तो पेटीएम भी नहीं मांगता मैं तो बस आपसे एक लाइक मांगता हूँ तो वीडियो लाइक कर दो फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे 1 मिलियन करा दो प्लीज ओके टाटा बाय बाय